वेलकम टू प्रीशा होम किचन। आज हम बनाने वाले हैं मटका मलाई कुल्फी बिना दूध को उबाले, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बढ़ती हुई गर्मी में बच्चे अक्सर जिद करते हैं आइसक्रीम खाने की, और हम उनको बाहर से आइसक्रीम ला के देते हैं जो कि बहुत ही अनहेल्दी ऑप्शन है। तो मैं उन बिजी मॉम्स के लिए ये आइसक्रीम लेके आई हूँ जो कि आपके 5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, मैंने काजू बादाम किशमिश यहाँ पे डाली है, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 2 इलायची ली हैं, इलायची का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है इसलिए मैंने यहाँ पे इलायची का यूज़ किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 4 ब्रेड ली है, ब्रेड में इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि ब्रेड से जो है हमारा टेक्सचर जो दूध का है वो गाढ़ा हो जाएगा। आप चाहे तो ब्रेड को स्किप भी कर सकते हैं, बट ब्रेड डालने से जो कुल्फी है वो बहुत ही हमारी मलाईदार बनेगी और एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी बनेगी और खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी मेरी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने यहाँ पे अब दूध लिया है, मैंने यहाँ पे पहले 1 ग्लास दूध का डाला है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा दूध और लिया है। तो इससे हम जो है 4 लोगों की आइसक्रीम तैयार करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे चीनी डाली है, चीनी आप स्वाद अनुसार यूज़ कर सकते हो। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, बट अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है प्रोसेस, अभी इसमें और भी स्टेप्स हैं। तो मैंने यहाँ पे दूध को अलग कर लिया है और इसमें डाल लिया है मैंने मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर जो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैं 5 टेबल स्पून के करीब यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें और इसकी जगह आप मलाई का यूज़ ज़्यादा कर लें। यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 3 चम्मच जो फ्रेश क्रीम होती है घर की, जो मलाई होती है वो मैंने यहाँ पे ऐड की है और मैंने इसको अच्छे से अब ग्राइंड कर लेना है। तो ग्राइंड करने के बाद देखिए कितना ही गाढ़ा मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है। और जो मैंने पहले दूध निकाला था वो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये जो हमारा मिक्सचर है बन के रेडी हो गया है। इसको बनने में मात्र 3 मिनट ही मुझे लगे थे। इसके बाद मैंने यहाँ पे केसर गरम दूध में घोल के रखा था तो वो मैंने ऐड कर दिया है। केसर से जो इसका फ्लेवर है पूरा मार्केट वाला आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है, आपको ऐसा लगेगा कि आप मार्केट वाली कुल्फी ही खा रहे हो। तो दोस्तों ये बनके बहुत ही टेस्टी तैयार होती है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। तो इसको मैंने अब मिक्स कर लिया है, आप इसको किसी भी बर्तन में निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पे तरवे लिए हैं मिट्टी के, उसमें मैं इसको निकाल रही हूँ। तो ऐसे मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके इनमें डाल दिया है। तो यहाँ पे जो मटके मैंने लिए हैं उनमें मैं इसको डाल रही हूँ। आप कोई भी आपके पास ग्लास या कटोरी या कप जो होते हैं छोटे छोटे आप वो भी ले सकते हैं। ऐसे ही मैंने मैंने जो अपने 3 मटके थे वो मैंने भर लिए हैं। तो मटके भरने के बाद मैं इसको अच्छे से सील कर दूंगी ताकि इसमें बिल्कुल भी ना आए। तो आप भी ये स्टेप्स प्लीज़ फॉलो करें। अगर आप चाहते हो कि आपकी आइसक्रीम पूरी मार्केट की जैसे बने तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करो। यहाँ पे मैं आपको गिलासी दिखा रही हूँ, जो मैंने छोटा सा ग्लास लिया था उसमें मैंने थोड़ा सा मिक्सचर उसमें ऐड कर दिया है। अब ये देखिए हमारे जो ये मटके हैं भर चुके हैं, अब मैं इसको सील करूँगी। तो अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप इसको बटर पेपर से भी सील कर सकते हो। अगर बटर पेपर भी नहीं है तो आप इसको पन्नी होती है जो उससे भी सील कर सकते हो और रबड़ लगा दीजिए, ताकि ये हम इसलिए कर रहे हैं जब इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे तो इसमें आइस क्रिस्टल ना बने। अब इसको फ्रीज़र में रख दें 4 से 5 या 5 से 6 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रखें। 5 से 6 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसी बन के तैयार हुई है। तो देखिए अब मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगी। पहले मैंने यहाँ एक को ओपन करके आपको दिखाया है, देखिए इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं बने हैं। ये दूध है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आइस क्रिस्टल्स नहीं है और उसका कलर कितना अच्छा आया है आप देख सकते हो। अब दूसरा भी मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है तो दोनों ही बहुत अच्छे से फ्रीज हो चुके हैं। तो देखिए कितनी ही अच्छी टेम्पटिंग लग रही है, केसर का कलर इसमें कितना अच्छा आया है। तो ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है, इतनी अच्छी बनती है कि आप बाज़ार की कुल्फी खाना भूल जाओगे, आप घर पे ही बनाओगे। इसको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, तो आप इसको ज़रूर बना के ट्राई करें। ये बिजी मॉम्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाने का। तो अब मैं आपको इसको स्पून से निकाल के दिखाऊंगी ये कितनी ही मलाईदार बन के तैयार हुई है। देखिए कितनी ही मलाईदार है, ये आपको देखने में ही पता चल रहा होगा कितनी सॉफ्ट है। ये
बहुत ही टेस्टी बनी थी दोस्तों। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो और अगर आप और ऐसी इंस्टेंट रेसिपीज देखना चाहते हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर एक लाइक दें और ऐसी ही रेसिपीज देखने के लिए मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।